नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लेंजिंग डोमिंग है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं एक इंडियन हूँ। शायद आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा कि मैंने अपने आप को इंडियन बोल के क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे। क्योंकि या तो कुछ लोग नहीं जानते या फिर कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम अरुणाचली भी इंडियंस होते हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम अरुणाचली भी तो इंडियंस हैं, हमें भी तो रहने का हक है, हमें भी तो बोलने का हक है। ना, हम 2021 में जी रहे हैं और हम सभी इंडियंस को ये बात पता होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का ही एक स्टेट है। तो मैंने जो अभी बात बोली, क्यों बोला मैं बताता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ पारस सिंह की, जिसका YouTube में एक गेमिंग चैनल है एंड ही हैज अराउंड मोर देन 4,50,000 सब्सक्राइबर्स एंड दीज नंबर्स आर इनफ टू इन्फ्लुएंस मेनी पीपल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG को बैन किया था और इस साल शायद PUBG वापस आने वाली है। तो हमारे स्टेट के एक MLA सर मिस्टर निन्नोंग इरिंग ने PUBG अनबैन को अपोज करते हुए, मोदी जी को टैग करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए ट्वीट किया कि PUBG को अनबैन नहीं होने दिया जाना चाहिए इंडिया में। ये पॉइंट देते हुए कि PUBG गेम हमारे इंडिया की सिक्योरिटी एंड सिटीजन के प्राइवेसी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो उसी अनबैन वाली बात से ट्रिगर्ड होके ये लड़का पारस सिंह ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला और वीडियो का टाइटल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसमें हमारे MLA सर से डिसएग्री करते हुए ये बोला। आफ्टर नाउ मतलब 100 में से 90% गेम्स में टेंसेंट के शेयर रहते हैं, क्योंकि वो है ही गेमिंग कंपनी है, सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, तो उसके शेयर तो रहेंगे। और इसने नोटिस के अंदर यही चीज़ें लिखी हैं कि PUBG मोबाइल को ही रीलॉन्च किया जा रहा है, नेम चेंज करके गन के नेम। भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे, कौन सी कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तुम, हैं? मतलब कुछ भी, यहाँ पर हम PUBG वालों के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, हमें ही नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं। सिर्फ PUBG का नेम चेंज हो रहा है और हल्के फुल्के चेंजेस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए, और 2-3 चेंजेस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते, जब गेम आएगी तभी सबके सामने आएगा। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। यहाँ पारस ने जो बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका खुद का नॉलेज है, अपना ओपिनियन है। बट इसमें भी पारस हमारे MLA सर को तुम बोल के एड्रेस कर रहे हैं, बट कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, पर्सनली उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा इसलिए उसने तुम बोल दिया होगा MLA को। ठीक है, यहाँ तक हम एग्री करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पारस उसके पास दुनिया भर का नॉलेज है। बट कोई नहीं, उसमें ही प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई आप ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। तो इस वाले स्टेटमेंट में पारस ने MLA सर की फोटो को जूम किया और बाकी अरुणाचली लोगों का फोटो दिखाया और बोला कि ये लोग किस एंगल से इंडियन लग रहे हैं। और इस स्टेटमेंट में पारस अपने ऑडियंस को मिसगाइड कर रहा है, हम अरुणाचली लोगों को नॉन इंडियन बोल के ऑन द बेसिस ऑफ आवर लुक्स, और यही से शुरू होता है इस जनाब का रेसिज्म। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई इंडियन बंदा दिखने में डार्क कलर का है तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोल देंगे? नहीं ना। तो उस बंदे की उसमें कोई गलती नहीं कि वो दिखने में डार्क है, तो उसी तरह हमारी भी कोई गलती नहीं कि हम दिखने में ऐसे हैं। तो ये जो बंदा है पारस सिंह, वो अपने स्टेटमेंट से साफ साफ रेसिज्म फैला रहा है, और ये यही तक नहीं रुकता, आप आगे देखिए। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। अभी हमारे नाम का मजाक उड़ाते हुए रेसिज्म फैला रहा है, इसके हिसाब में हर इंडियन बंदा का नाम सचिन, आशीष या फिर राहुल होना चाहिए, मतलब हिंदी नाम ही होना चाहिए। वाह, और भी इसने आगे में स्टेटमेंट दिया, देखिए। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओहो हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीस सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। ये साला इंडिया मैप दिखाते हुए पूछता है कि अरुणाचल कहाँ है, एंड द वे ही सेज ओहो अरुणाचल के साइड में चाइनीज सिटीज है, मतलब चाइना वालों का ही है अरुणाचल। अकॉर्डिंग टू पारस हम चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो हम चाइनीज हो गए, उस हिसाब से तो पंजाब और राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो लोग भी पाकिस्तानी हो गए। पारस के हिसाब से तो जो स्टेट्स इंडिया के बीचों बीच है वही स्टेट्स इंडिया के स्टेट्स है। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ कि हम सभी इंडियंस है, मैं यूं ही अपने वीडियोस के एंडिंग में जय हिंद वंदे मातरम नहीं बोलता, यूं ही मेरी दीदी जो कि इंडियन आर्मी में है वो देश की सेवा नहीं कर रही है, वो दिलो जान से अपने आप को इंडियन मानते हुए सेवा कर रही है। ये धरती माँ
जितनी बाकी स्टेट्स के लोगों के हैं उतने ही हम अरुणाचली लोगों के लिए भी है, हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी है। एक्चुअली मैं बताऊं इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके दिमाग में ये बैठ गया है कि एक छोटे से शहर के एमएलए ने, अरुणाचल के एमएलए ने जो कि चाइनीज जैसा दिखता है, वो कौन होता है पबजी को बैन कराने वाला। तो उसी रीजन से पारस भाई साहब ने ये वीडियो बनाया और प्रूव करने में लग गया कि हम अरुणाचली लोग चाइनीज होते हैं अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। एक्चुअली इस बंदे को जितना गाली दू कम है, ऐसे लोगों की वजह से रेसिज्म होता है कास्ट को लेके, कलर को लेके, जेंडर को लेके और अलग अलग चीज़ों को लेके। और इसने जो हमारे लुक्स या कलर को लेके जो रेसिज्म फैलाया है ना, ये बस हम अरुणाचली लोग फेस नहीं करते, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले फेस करते हैं। पारस जैसे लोगों की वजह से ही हम नॉर्थ ईस्ट और बाकी स्टेट्स के जो लोग हैं ना, उनके बीच में जो भाईचारा का रिलेशन है वो खराब होता है। हम सभी इंडियंस को दिल और दिमाग से ये बात ठान लेना चाहिए कि हम किसी भी स्टेट से हों, हम इंडियंस ही हैं और किसी भी स्टेट के साथ किसी भी चीज को लेके रिलेशन कभी खराब नहीं करेंगे। एंड दिस गाय पारस शुड हैव चोजन हिज वर्ड्स वेरी वाइजली। ऐसे यूट्यूब चैनल्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स फ्यूचर में हमारे देश का बंटवारा कर सकते हैं। सो डियर पारस, तू एक अच्छा गेमर जरूर हो सकता है, बट तू एक सच्चा इंडियन नहीं हो सकता जो हमारे देश के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं अपना ओपिनियन बता देना चाहूंगा आप सभी को कि मेरे ओपिनियन में पारस को अरेस्ट किया जाना चाहिए उसके इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए। और मैं हमारे जो सीएम सर है पेमा खांडू और हमारे रिजिजू साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस चीज को लेके, पारस के इस स्टेटमेंट को लेके जरूर एक्शन लीजिएगा। एंड गाइस पारस का जो यूट्यूब चैनल है वो काफी बड़ा है, ही हैज अराउंड मोर देन 450,000 सब्सक्राइबर्स, जिसके थ्रू वो कई मासूम बच्चों को गलत वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ऐसे चैनल का एग्जिस्ट करना हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है जो बहुत रेसिज्म फैलाता हो, जो हेटेड फैलाता हो। तो इस चैनल को तो बैन होना ही होना चाहिए। तो मैं इस चैनल को बैन करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ही हैज अराउंड मोर देन 450,000 सब्सक्राइबर्स, तो अगर 45,000 लोगों ने मास रिपोर्टिंग की, यानी कि 45,000 लोगों ने इस चैनल को रिपोर्ट किया, चैनल को, मैं वीडियो को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चैनल को रिपोर्ट किया, तो इसका जो चैनल है वो बैन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग उसके चैनल को रिपोर्ट करें। मैं उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या पता मेरे वीडियो डलने तक वो शायद अपना वीडियो रिमूव कर दे, बट ये आपके हाथों में है कि आप उसके चैनल को रिपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। तो प्लीज ऐसे चैनल को रिपोर्ट कीजिए जो हेटेड फैलाता हो। जितने भी इंडियन लोग देख रहे हैं, जो हम अरुणाचली लोगों को, जो हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भाई मानते हैं या फिर बहन मानते हैं, अपना मानते हैं, अपना इंडियन मानते हैं, प्लीज इस चैनल को रिपोर्ट कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके चैनल का। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो पारस का यूट्यूब अकाउंट है वो बैन हो जाए। और लास्टली मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बोलना चाहूंगा कि बदलाव एक दिन जरूर आएगा। आप लोग प्लीज डिसहार्टन मत होइए, ऐसा होता है लाइफ में, डिसहार्टन मत होइए, बस उस चैनल को रिपोर्ट कीजिए और दिखा दीजिए कि हम में कितनी यूनिटी है, हम पूरे इंडियंस में कितनी यूनिटी है। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल से एक न्यूज वायरल हो रही है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बैन करने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो भाई साहब लॉन्च तो होने दो पहले, जिस चीज को अभी तक लॉन्च ही नहीं किया उसको तुम बैन कैसे करवा सकते हो। चलो मान लेते हैं कि भाई ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले देखते कर क्या रहे हैं ये महाशय। तो चलते हैं ट्वीट पे, एक महाशय एमएलए साहब हैं ये हमारे, और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके ठीक है, इन्होंने लिखा क्या नोटिस के अंदर वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो इस नोटिस के अंदर मुझे जो समझ में आ रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंसेंट जो है वो काफी बड़ी कंपनी है, गेमिंग कंपनी मतलब, और 300 से ज्यादा जो गेम है उनके अंदर शेयर्स हैं इनके, है ना, शेयर्स मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। और टेंसेंट जो है वो हमारा जो डाटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है, अपनी मर्जी से ही, मतलब कुछ भी। टेंसेंट को तो निकाल दिया भाई, उसके जो शेयर हैं उसको तो कमीशन जाएगी ना, उसका नाम तो रहेगा ही ना, कितनी गेम्स में उसका नाम है भाई, ऐसी कोई गेम ही नहीं है जिसके अंदर क्राफ्टन ना हो। मतलब 100 में से 90% गेम्स में टेंसेंट के शेयर रहते हैं, क्योंकि वो है ही गेमिंग कंपनी है, सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, तो उसके शेयर तो रहेंगे।
और इसने नोटिस के अंदर यही चीजें लिखी हैं कि पबजी मोबाइल को ही रीलॉन्च किया जा रहा है, नेम चेंज करके, गन के नेम, भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे, कौन सी कहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तुम, हैं? मतलब कुछ भी, यहाँ पर हम पबजी वालों के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, हमें ही नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं, सिर्फ पबजी का नेम चेंज हो रहा है और हल्के फुल्के चेंजेस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए, और दो तीन चेंजेस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते, जब गेम आएगी तभी सबके सामने आएगा। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओहो हो हो हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से, भाई साहब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके, हम आपके आभारी हैं, आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा। बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं हमारे देश के लिए सोचने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब वो बेकार भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैन किया, बैन करने के बाद अनबैन किया, पैसे लेके अनबैन किया क्या उनको, क्या मिलियंस डॉलर्स दे दिए क्या पबजी वालों ने? भाई कुछ सोच समझ के अनबैन किया होगा ना, उन्होंने शर्तें रखी होंगी और उन शर्तों को पबजी वालों ने फॉलो किया होगा, जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी होंगी उन्होंने दी होंगी, जो भी इनके बीच में बातचीत हुई है वो तो हमें नहीं पता। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैन किया था, उन्होंने अनबैन कर दिया, उनके बीच में क्या डील हुई है या फिर कैसे कैसे कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, ऐसे थोड़ी एक गेम बैन हुई और 8 महीने बाद अनबैन हो रही है और कोई लल्लू बंजू आके ट्वीट कर देगा तो उसके ट्वीट करने से कुछ हो जाएगा? भाई हर सिटी हर कंट्री में एमएलए होते हैं, और एमएलए, मैं नहीं कहता कि भाई एमएलए की कोई वैल्यू नहीं होती, बट भाई एमएलए के पास, मेरे यहाँ के, मैं क्या बोलूं भाई, एमएलए के पास भाई मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, छोड़ो, मैं आप सभी बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि भाई देखो किसी के भी ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है और गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दे दी, तभी टीजर आ रहे हैं, तभी ट्रेलर आ रहे हैं, तभी गेम प्ले स्टोर पे आ चुकी है, बस रिलीज होने वाली है, प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है, बस रिलीज होगी, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करके मौज करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो होगा यार सबके सामने होगा, सबके लिए होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके ट्वीट करने से कुछ होने वाला है, मैंने नाम भी पहली बार सुना है, शायद फेमस होने के लिए ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, मुझे आज तक ये दिखे नहीं, पिछले एक साल से गेम बैन है, इन्होंने कभी ट्वीट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, अचानक से इनको याद आई कि पबजी दोबारा से आ रही है, तो मैं हूं भाई बाहुबली बन के जाता हूं आगे और बैन करवाऊंगा, करवा लो भाई बैन करवा लो, देखते तुम्हारे करने से कितना कुछ हो जाता है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे हिसाब से तो कुछ होने नहीं वाला इनके कुछ करने से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं क्योंकि काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फिर से बैन होने वाला है, फिर से बैन होने वाला है, भाई देखो परमिशन मिल चुकी है तभी ट्रेलर आया ना, परमिशन ऐसे तो मिली नहीं, तो टेंशन मत लो, गेम जल्दी आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे, बाकी देखते क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।